फातह बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। याद रखो मेरे दोस्तों, फौज बगैर कौम के और कौम बगैर फौज के दुश्मन के लिए आसान शिकार होती है। शलेबी और यहूदी हर दौर में इस्लाम की फौज और कौम के दरमियान मुनाफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे। मुझे नजर आता है कि फलस्तीन का खित्ता खून में डूबा रहेगा। हुकूमत का नशा, दौलत और औरत अच्छे अच्छे इंसानों को अंधा कर देते हैं। काफिर से पहले गद्दार को कत्ल करना जरूरी है। एक जासूस दुश्मन के पूरे लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी रिवायात ना भूलो। दिफा का बेहतरीन तरीका यह है कि दुश्मन तुम्हें मारने के लिए नयाम से तलवार निकाल ही रहा हो तो तुम्हारी तलवार पहले ही उसकी गर्दन उड़ा दे। वो अगर कल हमले के लिए आ रहा हो तो तुम उस पर आज ही हमला कर दो। अगर हम कुफ्र के तूफान को ना रोकें तो हम मुसलमान नहीं बल्कि बेगैरत होंगे। और अगर इस्लाम का दिफा इस तरह करें कि दुश्मन के इंतज़ार में घर बैठे रहें और जब वो हमला करे तो अपने घर में ही उसके खिलाफ लड़ें और फिर ये फख्र भी करें कि हमने दुश्मन को पछता कर दिया, तो ये हमारी बुजदिली का सबूत होगा। सुधर जाओ ऐ मुसलमानों, नहीं तो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।